जमात सोम के तमाम तलबा और तलबात उर्दू की क्लास में खुश आमदी। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू की क्लास में इस्लामी महीनों के नाम पढ़ेंगे, लिखेंगे और फिर आप इसकी प्रैक्टिस अपनी कॉपी पे इस तरह करेंगे। प्यारे बच्चों, इस्लामी महीनों के जो नाम हैं वो 12 हैं। आपको ये पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं और इस्लामी महीनों के अपने अपने हर महीने का नाम है। पहला जो महीना है उसका नाम है मुहर्रम। अगर आपको कोई पूछे कि इस्लामी महीनों के जो नाम हैं उसमें पहला जो महीना है उसका क्या नाम है, तो आप बता सकते हैं मुहर्रम। दूसरा जो महीना है उसे सफ़र कहते हैं, सफ़र। और सफ़र को आप गौर से देख सकते हैं कि सफ़र को लिखते कैसे। इसी तरह ये दूसरा महीना है। और तीसरा जो महीना है उसको रबीउल अव्वल कहते हैं, जी, जिसमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। 12 रबीउल अव्वल को हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का दिन हर साल इस्लामिक महीने में रबीउल अव्वल में मनाया जाता है। अब जो चौथा महीना है उसको रबीसानी कहा जाता है, रबीसानी कहा जाता है, जी। इस्लामी महीनों में चौथे नंबर पर चौथा महीना जो है वो रबीसानी है, जी। इसी तरह हम लोग आप याद करेंगे इस्लामी महीनों के नाम, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीसानी, जी। बड़े प्यारे बच्चों, आप लोगों ने हर 2 या 3 महीनों या 4 महीनों को आपने रोज़ाना याद करना है और लिखना भी है, जी हाँ। पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जी। अब हम इस्लामी महीनों में पांचवा जो महीना है उसका जो नाम है उस पांचवे माह को हम लोग जमातुल अव्वल कहते हैं, जमादियु अव्वल, जमाद सानी। छठा जो माँ है इस्लामी माँ वो है जमाद सानी। सातवां महीना जो है इस्लामी महीनों में वो माह रजब है, जी। माह रजब के बाद, माह रजब के बारे में ये बहुत ज़्यादा बात रवायत की जाती है कि ये अल्लाह का महीना होता है, इसमें सूरह मुल्क का बहुत ज़्यादा पढ़नी चाहिए और ये अल्लाह का महीना होता है और अल्लाह का पसंदीदा महीना होता है। अल्लाह को रजब का महीना बहुत पसंद है। इसी में हम लोग 26वीं और 27वीं को हम लोग जो है वो शबे मेराज के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उन्होंने तमाम आसमानों की सैर भी की। इसी तरह शबान का महीना है जिसमें 15वीं शबान को हम लोग शबे बारात का दिन होता है जिसमें हम लोग जो है इबादत भी करते हैं, उसमें उस दिन अगर रोज़ा रखा जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा अफजल इबादत में शामिल होता है। शबान का महीने को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा जो है उसकी रवायात पे है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना कहा जाता है। रजब को अल्लाह का, शबान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह रमज़ान जो है, रमज़ानुल मुबारक की बहुत फजीलत है। इसमें एक एक लम्हा बहुत ज़्यादा बरकत वाला होता है। इसमें तमाम लोग अपनी तरावी का एहतमाम करते हैं, तहज्जुद का करते हैं और 30 दिन के रोज़े रखते हैं और फिर हम लोग ईद उल फितर करते हैं। इसी तरह शवाल का है, शवाल का महीना भी बहुत फजीलत वाला है और ये माह इस्लामी महीनों में 10वां माह इसको शामिल किया जाता है। 10वां माह होता है माह शवाल। फिर उसके बाद है जुलकत, फिर उसके बाद है जिलहज। जिलहज में हम लोग अपनी ईद उल अज़हा मनाते हैं और हज भी होता है।
इसी तरह हम दोबारा इन तमाम महीनों को मैं आपको बताती चलूं प्यारे बच्चों, क्लास थ्री मुहर्रम पहला महीना है, सफर दूसरा, रबीउल अव्वल तीसरा, रबीसानी चौथा, जमातुल अव्वल पांचवां, जमातुस्सानी छठावां, रजब सातवां महीना होता है, शाबान आठवें नंबर पर है, रमजानुल मुबारक इस्लामी महीनों में नौवें महीने में मनाया जाता है, शवाल दसवां है, जुलकद जो है वो ग्यारहवां और जिलहज जुलहज बारहवां। थैंक यू प्यारे बच्चों।